Hello friends. Welcome to Talent Crafts. Hello friends, आज मैं आपको Proteus Simulation का 5th tutorial बताने जा रहा हूँ. इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको रिले की हेल्प से AC बल्ब को कंट्रोल करना बताया था. आज के इस वीडियो में हम रिले की हेल्प से DC मोटर को एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज कैसे रोटेट किया जाता है वो देखेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पहले हमें जाना है Proteus 7 पे एनरोन. तो हमें पहले जाना है कंपोनेंट मोड पे, उसके बाद हमें डीसी मोटर को यहाँ से सेलेक्ट करना है. ये हमारा एनिमेटेड डीसी मोटर, इसको हम दो बार क्लिक करेंगे तो ये डीसी मोटर यहाँ पे ऐड हो जाएगा. फिर हमें रिले लेना है. यहाँ पे इतने सारे रिले हैं, बट हमें चूज करना है एक्टिव रिले. फिर बटन, फिर ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, अब हमें क्या करना है, पहले मोटर को यहाँ पे प्लेस कर देना है इस ब्लू बाउंड्री के अंदर. उसके बाद हमें लेना है रिले. रिले को हम यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, दूसरे रिले को उसके नीचे. उसके बाद रिले का जो कॉमन टर्मिनल है, उस कॉमन टर्मिनल से हमें मोटर को कनेक्ट कर देना है. ये है कॉमन, ये NC, ये NO, सेम एज इट इज कॉमन NC एंड NO. तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ से पावर का बटन लेना है. पावर को हमें NO में कनेक्ट कर देना है और ग्राउंड को हमें NC में. अब सपोज आपका ये DC मोटर 12 वोल्ट या 24 वोल्ट पे ऑपरेट होने वाला है, तो हमें यहाँ पे 24 वोल्ट देना है प्लस 24 वोल्ट. अगर आपका मोटर यहाँ पे 12 वोल्ट है तो आप यहाँ पे 12 वोल्ट दे सकते हैं. उसके बाद हमें इस रिले की वायरिंग करनी है विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिस्टर. ये ट्रांजिस्टर का कलेक्टर हमने रिले के एक पॉइंट के साथ कनेक्शन कर दिया. अब रिले के कॉइल का दूसरा पॉइंट हमें देना है VCC में. और इसके बीच में हमें लगाना है डायोड, तो हम दोबारा से एक डायोड ले लेते हैं. ये डायोड यहाँ पे रिवर्स बायस में कनेक्ट होता है, जिससे कॉइल्स की सेफ्टी होती है. इन शॉर्ट रिले हमारा सेफ रहता है. अब इस ट्रांजिस्टर को हम ग्राउंड के साथ कनेक्शन कर देते हैं. अब हमें लेना है बटन, तो आप ड्रैग करके नीचे भी ला सकते हैं. अब ये ट्रांजिस्टर को हमें 5 वोल्ट से ऑपरेट करना है, तो 5 वोल्ट से ऑपरेट करने के लिए हमें दोबारा चाहिए पावर केबल, और इसको हम 5 वोल्ट से डिनोट करेंगे प्लस 5. तो फ्रेंड्स अब मैं इसको प्ले करता हूँ. प्ले करने के बाद जैसे ही मैं फर्स्ट रिले को ऑन करूँगा, इन शॉर्ट जब मैं यहाँ से 5 वोल्ट इस ट्रांजिस्टर को दूंगा, तो ये ट्रांजिस्टर इस रिले को ऑन करेगा. ये रिले यहाँ से 24 वोल्ट इस मोटर को सप्लाई देगी, वैसे ही यहाँ पे. बट दोनों में डिफरेंस इतना है कि जब मैं ये बटन प्रेस करूँगा तो मोटर का जो डायरेक्शन होगा वो फिक्स रहेगा, बट जब ये बटन प्रेस करने पे हमें मोटर की डायरेक्शन पहले वाली डायरेक्शन से अपोजिट मिलेगी. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. ये रिले है हमारा 12 वोल्ट का, तो हमें यहाँ पे 12 वोल्ट लेना है. अगर हमें 12 वोल्ट का रिले नहीं चाहिए, हमें अगर 6 वोल्ट का रिले चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 चेंज कर देंगे, 6 वोल्ट एंड यहाँ पर भी 6. ये हमारा रिले 6 वोल्ट का हो गया, तो यहाँ पे हमें सप्लाई भी 6 वोल्ट देनी है. अब स्टार्ट करके चेक करते हैं. देखिए ये चल रही है हमारी एंटी क्लॉकवाइज और ये चल रही है हमारी क्लॉकवाइज. सो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आपको 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 24 वोल्ट ये अलग अलग हमने सप्लाई लिया है, बट अगर आपके पास 9 वोल्ट की बैटरी है और 9 वोल्ट से आप 24 वोल्ट के
मोटर को कंट्रोल करना चाहते हो तो आपके पास 24 वोल्ट का एक अलग से सप्लाई होना चाहिए, साथ में एक 9 वोल्ट का अलग से सप्लाई होना चाहिए। तो चलिए उसका कनेक्शन कैसा होता है वो देख लेते हैं। इसको पहले स्टॉप करते हैं। ये रिले हमारा 6 वोल्ट का ही होगा, बट यहाँ पे हम इसको पावर सप्लाई देंगे 9 वोल्ट, बिकॉज हमारा जो रिले है उसमें कॉइल्स होते हैं। कॉइल्स के अंदर अगर आप 6 वोल्ट दोगे तो भी ऑपरेट होगी, और 6 की जगह आप 9 वोल्ट दोगे तो भी ऑपरेट होंगे। अब हमें यहाँ से चूज़ करना है बैटरी। बैटरी में हम एक्टिव बैटरी लेंगे। ये बैटरी 12 वोल्ट की है बाय डिफॉल्ट, बट हमें 9 वोल्ट का इस बैटरी को करना है, तो हम जस्ट यहाँ पे 9 कर लेंगे। तो ये बैटरी 9 वोल्ट की हो गई। अब हमें चाहिए एक 7805 IC, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर माउंट कर लेंगे ग्राउंड। सो फ्रेंड्स, ये जो 9 वोल्ट है और ये जो 5 वोल्ट है, ये हमारी हर जगह पे जाएगी। सपोज यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे मैं 9 से इसको डिनोट कर देता हूँ। ये 5 है तो 5 वोल्ट से इसको मैं डिनोट नहीं करता, डायरेक्ट मैं रिले के साथ कनेक्शन कर देता हूँ। तो उसके लिए मैंने एक बटन ले लेता हूँ बीच में। और इस 705 को मैं ग्राउंड दे देता हूँ। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि ये जो रिले है, ये रिले 6 वोल्ट का है बट मैं इसको 9 वोल्ट के साथ ऑपरेट कर रहा हूँ। सेम ये रिले भी 6 वोल्ट का है बट मैं इसको 9 वोल्ट के साथ ऑपरेट कर रहा हूँ। और हमारा जो ये मोटर है वो मोटर हमारा 24 वोल्ट का है, तो मैं 24 वोल्ट अलग से इसको सप्लाई दे रहा हूँ। अगर आपको ये कनेक्शन समझ में नहीं आ रहा तो मैं एक अलग से 24 वोल्ट का सप्लाई ले लेता हूँ। ये मेरा 24 वोल्ट का सप्लाई है, तो ये प्लस है। तो मैंने आपको बताया कि प्लस हमेशा एनओ पे कनेक्शन कीजिए, और सेम प्लस को नीचे वाले एनओ के साथ भी। तो जो ग्राउंड है, ग्राउंड का कनेक्शन एनसी के साथ कीजिए, और इसका भी एनसी के साथ ग्राउंड। सो तो हम इसको प्ले करेंगे। सो देखिए, ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज। अगर आपको इस मोटर को अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करना है तो आपको बस ये बैटरी के टर्मिनल चेंज करने हैं। तो होगा क्या है कि जो मोटर अभी क्लॉकवाइज चल रही है वो एंटी क्लॉकवाइज चलने लगेगी, वो एंटी क्लॉकवाइज चल रही है वो क्लॉकवाइज रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसकी हेल्प से आप एक रोबोट पे हैवी डीसी मोटर कंट्रोल कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने व्यूज हमें कमेंट्स में सेंड कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल टैलेंट क्राफ्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी आप जल्दी से रेड बटन पर क्लिक कर दीजिए, और साथ ही साथ हमारे बेल आइकन पर क्लिक करें। तो आज के वीडियो में इतना है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।